हाल ही में हमारे देश के द्वारा 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान कई प्रकार की झांकियां कर्तव्य पथ पर नजर आई। साथ ही साथ इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उपस्थित रहे। लेकिन एक सवाल कि आखिर इन मुख्य अतिथियों का चयन कौन करता है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, तो आज हम आपको इसी तथ्य के बारे में जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि देश इस बार अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व को खास बनाने के लिए इस बार कई बदलाव किए गए। जहां गणतंत्र दिवस की थीम महिलाओं को केंद्र में रखते हुए बनाई गई, तो वहीं परेड और झांकियों में भी महिला प्रतिनिधित्व रहा। इस बार के समारोह के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उपस्थित रहे और मुख्य अतिथि के रूप में बने रहे। इससे पहले 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हमारे मुख्य अतिथि थे। यानी हर साल हर देश के प्रमुख को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में चुना जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये प्रक्रिया आखिर निभाई कैसे जाती है। तो आपको बता दें कि ये प्रक्रिया आयोजन से करीब 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विदेश मंत्रालय शामिल रहता है। किसी भी देश को निमंत्रण देने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि भारत और संबंधित अन्य राष्ट्र के बीच मौजूदा संबंध कितने अच्छे हैं। इसका निर्णय देश के राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और वाणिज्यिक हितों को भी केंद्र में रखकर लिया जाता है। पहले विदेश मंत्रालय संभावित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करता है और फिर इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है। इसके बाद संबंधित मुख्य अतिथि की उपलब्धता देखी जाती है, यानी कहीं वो बिजी तो नहीं है उस समय। अगर उनकी उपस्थिति उपलब्ध है तो भारत आमंत्रित देश के साथ आधिकारिक संचार करता है, यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशन करता है। जानकारी के लिए बता दें कि 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह से ही इसमें मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करने की शुरुआत हुई थी, यानी शुरुआत 1950 से हुई थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। आइए अब आपको बताते हैं कि हमारे देश के मुख्य अतिथि आखिर कौन कौन से देश रह चुके हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास की तरफ देखें तो 1950 से लेकर 1970 के दशक के दौरान भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन और पूर्वी ब्लॉक से जुड़े कई देशों को अतिथि बनाया। दो बार 1968 और 1974 में ऐसा हुआ जब भारत ने एक ही गणतंत्र दिवस पर दो देशों के मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया था। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के कारण कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया था। इंदिरा गांधी ने गणतंत्र दिवस से केवल 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1966 को शपथ ली थी। 2021 और 2022 में भी भारत में कोरोना महामारी के कारण कोई मुख्य अतिथि नहीं बुलाया गया था। भारत ने सबसे ज्यादा 36 एशियाई देशों के समारोह में अतिथि बनाया है। इसके बाद यूरोप के 24 देश और अफ्रीका के 12 देश गणतंत्र दिवस में हमारे मेहमान रहे हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका के 5 देश, उत्तरी अमेरिका के 3 देश और ओशनिया क्षेत्र के 1 देश का भारत ने आतिथ्य किया है। बता दें कि 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत ने फ्रांस को अतिथि देश बनाया है। यहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रह चुके हैं। बता दें कि परेड में फ्रांस की 95 सदस्यीय मार्चिंग टीम और 33 सदस्यीय बैंड दल ने भी शिरकत की थी। भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट यानी MRTT विमान और फ्रांसीसी वायुसेना के 2 राफेल लड़ाकू विमान ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया था। यानी भारतीय वायुसेना के साथ फ्रांसीसी सेना भी थी। अतिथि देश का चयन रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ही किया जाता है। यूं कहे कि गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि का निमंत्रण भारत और आमंत्रित व्यक्ति के देश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की मिसाल माना जाता है। तो ये थी वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से हमारे देश का द्वारा हर साल गणतंत्र दिवस पर अन्य देशों को मुख्य अतिथि के रूप में चुना जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही तथ्यात्मक जानकारी के लिए बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।